कुछ नेता ऐसे हैं जिनका तो अब काम ही लगने लगा है कि पहले वो झूठ बोलते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है केजरीवाल का और दूसरा हमारे प्रिय राहुल गांधी का। पर अब राहुल गांधी की हरकतों से तो लगता है कि पहला नंबर वो ले लेंगे। दरअसल ऐसा हुआ है कि बिना सोचे समझे राहुल गांधी कई बार कुछ बोल देते हैं और फिर उसके बाद माफी मांग देते हैं। और इस बार जो राहुल गांधी जी ने काम किया है वो भी कुछ इसी तरीके का है, पर अब माफी मांगेंगे कब ये तो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम आपको उनका वो काम बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर ये दावा किया था कि डिक्शनरी में एक नया शब्द आया है और वो शब्द है मोदीलाल। और अगर हिंदी में बताएं तो सीधा सीधा मतलब है कि लगातार झूठ बोलने वाला या झूठाया। इस वर्ड के साथ राहुल गांधी ने डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट भी लगाया था। फिर क्या, राहुल गांधी के इस दावे पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने खुद ही जवाब देते हुए कंफर्म किया है कि जो ये फोटो दिखाई गई है ये एकदम फर्जी है। हमारी डिक्शनरी में कोई भी मोदीलाई जैसा शब्द है ही नहीं, ये एकदम फेक और फर्जी है, ये हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं है। यहाँ पर आप ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रिप्लाई देख भी सकते हैं। अब राहुल गांधी ने ये काम मोदी का नाम लिखे बिना पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा था, पर इस बार भी राहुल गांधी सबके सामने इंटरनेशनल लेवल पर झूठे साबित हो गए। पर लगता है उनको इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के इस रिप्लाई के बाद भी उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। पर क्या पता जब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंचे ये ट्वीट भी उनके अकाउंट से डिलीट हो जाए या फिर मौजूद रहे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के इस रिप्लाई के बाद कुछ यूज़र्स ने राहुल गांधी को जमकर ट्रोल किया, तो चलिए हम आपको उन यूज़र्स के कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। एक यूज़र लिखते हैं, मानेगा नहीं फिर ऑक्सफोर्ड से भी माफ़ी मांगेगा। तो एक अनिल नाम के यूज़र लिखते हैं, अब ये ऑक्सफोर्ड को भी भक्त कहने लगेंगे। तो वहीं एक दीक्षा नाम की यूज़र लिखती हैं कि अब तो ऑक्सफोर्ड ने भी मना कर दिया, अब बताओ। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, आफ्टर जेटली लाए अब मोदी लाए। इन यूज़र के ट्वीट के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बार अरुण जेटली पर ऐसा ही तंज कसा था। उस वक्त राहुल ने राफेल, मेहुल चौकसी जैसे मुद्दों पर उनको जेटली लाए लिखकर एक तंज कसा था, लेकिन तब उन्होंने इस वर्ड का डिक्शनरी में शामिल होने का दावा नहीं किया था। खैर, लोगों की ट्रोलिंग यहीं बंद नहीं हुई, तो किसी ने इस मीनिंग के सामने एरो लगाते हुए कांग्रेस के एड के साथ लिखा है दिस इज कर्मा। तो कोई लिखता है कि अभी जोक बनाने में राहुल जी व्यस्त हैं और फिर बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। खैर, ये कोई पहला काम नहीं है राहुल गांधी का जिस पर उन्होंने झूठ बोलकर उल्टा खुद को ही झूठा साबित किया हो। राफेल मामले में चौकीदार चोर है बोलकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, आप सब जानते ही हैं। तो दूसरा, पारिकर जी ने जब राफेल मामले को लेकर राहुल गांधी की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई थी कि 5 मिनट की मीटिंग में कोई राफेल से रिलेटेड बात हुई ही नहीं है मेरी राहुल गांधी से, तो क्या इस बार भी राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? ये नहीं, ये तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे, हम तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो उनके मन में होगा। अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मांगेंगे, नहीं तो उन्हें मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो वहीं बात करते हैं राहुल गांधी के साथ साथ केजरीवाल जी की। ये भी उन नेताओं में से हैं जो अक्सर गलती कर माफ़ी मांगते ही रहते हैं। अब बुरी तरह जब बात फैल जाती है, जब लगता है इनको कि उनकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकती है, तो ये माफ़ी वाफ़ी वाला खेल शुरू कर देते हैं। आपको याद ही होगा कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और विक्रम मजेठिया वो नाम हैं जिन्होंने केजरीवाल के अणगढ़ आरोपों पर मानहानि तक का केस किया था और फिर उसके बाद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त तो उन्होंने विक्रम मजेठिया पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया और दावा किया था कि इंटरनेशनल ड्रग्स डीलरों ने कई बार मजेठिया का नाम भी लिया है। लेकिन जब मजेठिया ने केजरीवाल को कोर्ट में घसीटा तो केजरीवाल ने तुरंत माफ़ी मांग ली थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर अरविंद केजरीवाल ने ई रिक्शा के अलावा जमीन घोटाले का भी आरोप लगाया था। केजरीवाल ने गडकरी को भारत का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया था और कहा था कि किसी भी कीमत पर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके आरोप सही हैं। लेकिन जब गडकरी ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली थी। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर भी DDCA में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ के मानहानि का केस किया था। बाद में केजरीवाल को अपने आरोपों के लिए जेटली से भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। खैर, ये तो नेता हैं, बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या मानहानि केस के बाद माफ़ी मांग लेते हैं। पर आपको नहीं लगता कि इन नेताओं के बयानबाजी या फेक न्यूज़ फैलाने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो इन पर भी लगाम लगाए?